तो ये है मारुति की एक्सल 6 जिसको आज हमने पिटाया है डायनामिक। और चलिए मैं आपको इसकी प्लेसमेंट बताता हूँ कि किस तरह से की हुई है। तो फिलहाल तो हमारी गाड़ी शुरू है जो कि बहुत साइलेंट है, साइलेंट लाइक शार्क, तो बहुत साइलेंट है गाड़ी। और हमने यहाँ पर इसका एडवांसर इंस्टॉल किया है, बस 2 मिनट दीजिए, ये जैसे स्टैंड लगाता हूँ मैं फिर से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना डायनामिक इंस्टॉल किया हुआ है जो 24 पिन में आता है, और इसको कनेक्ट लिया है, कनेक्ट किया हुआ है अंदर डाटा केबल से। तो इस तरह से हमने इसके अंदर प्लेसमेंट की, आप देख सकती हैं ये है जितना भी वायर है इन सबको एक लूम के अंदर कवर कर लिया है हमने स्लीव चढ़ा के, और पूरा वायरिंग हमने इस तरह से फिनिश कर लिया है अंदर। तो कहीं पर भी आपको कुछ वायर हमारी खुली नहीं मिलेगी, और किसी तरह का गाड़ी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रहा है, गाड़ी बहुत स्मूथ हो चुकी है। और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ डायनामिक एडवांसर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है। तो अभी ये गाड़ी हमारी है CNG के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका सेटअप किया हुआ है। ये यूरोप गैस का आता है डायनामिक एडवांसर। अगर आपने यूरोप गैस का किट बिटा है तो ये जो हमने प्लस किया हुआ है यहाँ पे आपको करना पड़ता है, यहाँ पे आपको सेटिंग में चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसका सेटअप किया हुआ है, आप देखिए इसका RPM शुरू है, मैप आ रहा है, TPS आ रहा है, और शिफ्टिंग ऑन है, गैस ऑन है, बाकी का सब कुछ हमने कर लिया है। आपको अभी मैं इसका मैप बता देता हूँ, देखिए आप इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी, आप उसको एडजस्ट करके आराम से अपने ड्राइविंग प्रेशर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो चलते हैं अभी टेस्ट ड्राइव के लिए और देखते हैं गाड़ी का पहले परफॉर्मेंस कैसा था और डायनामिक लगाने के बाद कैसा परफॉर्मेंस है। तो इंस्टॉलेशन हमारा पूरा हो चुका है, सेटअप हो चुका है, इस गाड़ी के ओनर है गांधी सेठ, और अभी उन्हें पूछते हैं कि बाबा कितना फ़र्क गिरा है यूरोप गैस का डायनामिक एडवांसर बिटाने के बाद। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर कैसे लग रहे हैं आप, कैसा परफॉर्म मिल रहा है आपको डायनामिक बिटाने के बाद? डायनामिक बिटाने के बाद सेम पेट्रोल जैसे, पेट्रोल से भी थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। और जो कि CNG किट बिटाने वाले बिटा है उन्होंने डायनामिक का एक बार यूज़ करके देख लीजिए, उसका 100% परफॉर्मेंस अच्छा है। गांधी साहब ये सेकंड में फिफ्थ गियर में कैसे परफॉर्म कर रहा है? प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड पे भी नहीं, फिफ्थ पे भी नहीं। RPM बढ़ रहा है अपना, एक नंबर पे। तो ये थे हमारे गांधी सेठ जिनकी XL 6 है ये, आज हमने इसको डायनामिक बिठाया था और कुछ इस तरह से सेटअप किया है हमने। और बिठा लीजिए, अगर आपकी भी गाड़ी है तो उसमें डायनामिक ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, बहुत फ़र्क गिरता है, बहुत, आप बिलीव नहीं करोगे। और माइलेज भी पड़ेगा गाड़ी का, और गाड़ी की सेटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ट्यूनिंग भी अच्छी हो जाएगी, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यही बात कह के मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।